अभी सुबह का टाइम हो रहा है, देखिए बच्चों की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, ये पढ़ रहा है यहाँ पर बैठ के। जरा पूछते हैं इसे क्या पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो बेटी? 1 2 3 लिख रहे हो? देखें क्या लिख रहे हो। क्लास मैडम चले गए हैं क्या क्लास में? हाँ। अच्छा दिखाओ क्या लिख रहे हो, दिखाओ जरा। ये देखो क्या लिख रहा है। ये मैं लिख रहा हूँ काउंटिंग। अच्छा फॉरवर्ड काउंटिंग। बैक काउंटिंग। अच्छा तो अभी आपने लिखा नहीं पूरा? नहीं। जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा बहन से पूछते हैं वो क्या कर रही है, ठीक है ना? हाँ बोलो। मैं बोल रहा था मेरी जो क्लास ओवर हो रही थी ना, तो मैम कह रही थी कल ना तुम लोग को ना छोटी की मात्रा के शब्द लिखना है। छोटी की मात्रा के शब्द, ठीक है। बड़ी की मात्रा चल रही है ना, अब आपकी छोटी की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हम बड़ी की मात्रा के शब्द लिखेंगे, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे अभी आप जल्दी से फास्ट फास्ट ये कर। क्या कर रही हो आप आलिया? आप क्या कर रही हो? रीडिंग कर रही हो? कौन सी बुक निकाली हुई है? EVS की बुक। अच्छा क्या रीड कर रही हो? क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं। अच्छा ठीक है रीड करो इसको। इसको इसकी रेज़र नहीं मिल रही है, अमीन ने अपनी रेज़र खो दी। हाँ खो दी ना। मिल गई रेज़र? कहाँ मिली? चलो ठीक है चलो। उसकी रेज़र खोओगे तो रोएगी ना वो। आपने अपनी चीज़ अपना सामान खो देते हो आप, उसके भी खोओगे। बस जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, तब तक मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ आपका। ओके फिनिश कर लो। तो नाश्ता मैंने बना लेकर आ चुकी हूँ, बनाया है। देखिए आज नाश्ते में क्या बनाया है मैंने। पराठे बनाए हैं, ये दाल के पराठे हैं। रात की दाल बची हुई थी उसको मैंने आटे में गूंद के उसके पराठे बना दिए हैं। और ये चटनी बनाई है हरी मिर्च हर धनिया लहसुन की, और ये दही मिलाया है इसमें चटनी में थोड़ा अलग से। ये बच्चे को मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, अमीन को बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है ये हरी चटनी, और आलिया को दही वाली पसंद है। तो दोनों के लिए मैंने अलग अलग बना के रखी है। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, मैं दोनों को बुला लेती हूँ और नाश्ता करा देती हूँ दोनों को। आ जाओ आप दोनों अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर आओ, आओ बैठो चेयर पे बैठो। तो नाश्ता हमारा हो चुका है, अब बच्चे बैठे हैं अंदर। और ये आज मैं बाहर आई हूँ, ये देखिए आंगन में कितना अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, कितना अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है। ऊपर देखिए बादल, ये देखो बादल जा रहे हैं, चल रहे बादल उधर से आए हैं। कितने अच्छे फूल निकले हुए हैं। ये मेरे भैया की साइकिल पे मम्मी ने एसी का कवर ढका हुआ है, बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से यहाँ पर ढक दिया था। ये अमीन की साइकिल खड़ी है यहाँ। ये देखिए मनी प्लांट लगे हुए हैं, ये भी मम्मी ने लगाए थे, बहुत छोटे छोटे लगाए थे। देखिए माशाल्लाह कितने बड़े हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, देखो ये देखो ये बेल जा रही है, आप देख रहे होंगे सीधे सीधे यहाँ दो बेल जा रही हैं। एक ये बड़े पत्ते की है और एक ये छोटे पत्तों की है। तो ये जो बड़े पत्तों की है ये है खरबूजे की बेल, और जो छोटे पत्ते की ये है करेले की बेल। देखिए यहाँ करेला एक निकला हुआ भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए करेला निकल रहा है, बहुत छोटा सा करेला है, और खरबूजा भी निकल रहा है। खरबूजा भी दिखाती हूँ मैं आपको, खरबूजा मैंने देखा था। ये देखिए अंदर के साइड, ये देखिए खरबूजा अभी छोटा सा है बहुत, एक करेला निकला है और एक खरबूजा निकल रहा है। दोनों बेल में
एक एक निकला हुआ है। ये अमीन भाई साहब आ गए हैं भाई। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे लिए नई पेंसिल आई है ऑनलाइन, पता नहीं क्या है आगे का। ये पेंसिल के आगे का दिखाओ क्या है। ये देखिए क्या आया है, खुद से पार्सल बनाया है इन्होंने और खुद से ही बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए पेंसिल आई है। खुद पेपर में रख लिया इसको। और जो होमवर्क मिला था मुझे दिखाओ फटाफट से। होमवर्क कराती है मम्मा, लाओ मम्मा को दो होमवर्क, खोल के दो। कौन सा पेपर था पता नहीं, कौन सा लिख के दे देता। ये देखिए बंकू को होमवर्क करने का तरीका, बिल्कुल भी होमवर्क करने के लिए ये रेडी नहीं है और होमवर्क करना नहीं चाहता ये बच्चा बिल्कुल भी। होमवर्क कर लो बेटा, फिर मैडम मारेंगी, कल बोलेंगी ना आपको दिखाने के लिए। इसको हटाओ पहले, इसको छोड़ो मुझे, चलो अच्छा हम पहले होमवर्क करते हैं ठीक है। फटाफट से होमवर्क कराते हैं भैया का, फिर उसके बाद करते हैं। पेंसिल दो। देखिए बंकू भैया स्टार्ट हो चुके हैं अपनी स्टडी करने के लिए। इस लड़के को छोड़ो, उसको बस इसको कुछ पढ़ना नहीं है कुछ भी, बस खेलना ही है सारा। जल्दी करो, पेज नंबर क्या करना है 41 करो, उसको पूरा करो। 42 नहीं करना, 41 करना, ये करो फटाफट से करो। ये देखिए इसका होमवर्क है ये, लेकिन इसको करना नहीं है बिल्कुल भी। अभी बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है होमवर्क करने के लिए। पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई के अलावा सारे खेल करवा लो, पूरा दिन खेलवा लो उसको, पूरा दिन फ़ोन दिखवा लो, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। और होमवर्क कराने में तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसको परेशान करके रखता है पूरा, होमवर्क करना ही नहीं है इसको। देखिए गाइस मैंने अपना काम कर चुका हूँ, देखिए ये देखिए इसका काम हो चुका है। यहाँ पर इसने राइटिंग कर ली है, ये काउंटिंग काउंटिंग राइटिंग कर ली है यहाँ पर। और जो इसको ये होमवर्क में मिला हुआ है नीचे का बैकवर्ड काउंटिंग, इसको इसे कराना है मुझे अभी, और ये भी कर लेगा जल्दी। ये देखिए यहाँ पर ये लेट के आराम कर रहा है, बस इसको पढ़ाई नहीं करनी, आराम करना होता है बस। दो दो मिनट में थोड़ा काम करता है और थोड़ा इसको आराम करना है, थोड़ा काम करता है थोड़ा आराम करना है बस इसको। तो इसको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। अभी फिर से उठ के भाग गया है यहाँ से, ये देखिए जा चुका है यहाँ से। तो देखिए ये मैथ का होमवर्क उससे मैंने करवा लिया है, साथ में करवाया उसके साथ में मैंने, तो उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अभी वो बाहर जाके बाहर चला गया खेलने के लिए। तो इस ब्लॉग का एंड मैं अब यहीं करती हूँ। मेरे ब्लॉग में आज के ब्लॉग में मेरा इतना ही था। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।